हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में, जो कि आप अपने एसीज के साथ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेबलाइजर की ज़रूरत क्यों होती है एसी में, या फिर स्टेबलाइजर, अच्छा स्टेबलाइजर हम कैसे खरीद सकते हैं, ये सब तो मैंने आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल से समझा रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों लेना होता है, कैसा लेना होता है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको उसके अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में। अगर दोस्तों आपके पास इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, स्प्लिट एसी है, या फिर है विंडो एसी, किसी भी तरह का कोई भी एसी अगर आपके पास है, तब आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है। हालांकि इन्वर्टर एसीज में अपनी एक वोल्टेज वर्किंग रेंज होती है, और कुछ एसीज में आपको 5 ईयर्स की पीसीबी वारंटी भी मिलती है। और मैं भी आपको कुछ वीडियोज़ में ऐसा बोलता हूँ कि आपको फलाने एसी में एक्सटर्नल स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी एक वोल्टेज रेंज है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके एरिया में जो वोल्टेज का सर्ज या फिर ड्रॉप है उसी वोल्टेज रेंज के अंदर रहता है, तब कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर यूज़ करने की। बट वोल्टेज सप्लाई जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी सर्ज हो सकता है, कभी भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसे में पीसीबी हमेशा थ्रेट पे रहती है इन्वर्टर एसी की। कई बार आपके पास पीसीबी का वारंटी भी होता है, बट स्टिल आपको सर्विस सेंटर वाले काफ़ी परेशान कर देते हैं, क्योंकि जो पीसीबीज हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इजीली रिपेयर नहीं हो पाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है, तब आपको 10, 15 या फिर 20 दिन के लिए भी वेट करना पड़ सकता है उस पार्ट के लिए। और ऐसे में जो कठिनाई आपको होगी वो फिर आप ही समझ पाओगे। तो इसीलिए अगर आप 35, 40, 50 हज़ार या फिर 60, 70 हज़ार का कोई एसी खरीद रहे हैं, तो उसके साथ एक 4-5 हज़ार का वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। वो आपकी परेशानी को कम करेगा और एसी को भी एक्स्ट्रा सेफ्टी देगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ आपके एसी के साथ यूज़ करने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोज आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर वो नहीं होता जो दिखता अच्छा है, एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर वो होता है जिसमें कॉपर की वाइंडिंग होती है। और इस वीडियो के अंदर सभी स्टेबलाइजर कॉपर वाइंडिंग वाले बताऊंगा। रैंकिंग कोई नहीं है किसी प्रोडक्ट की। जो स्टेबलाइजर आपके बजट में सेट हो जाए आप ले लीजिए, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से हैं वो स्टेबलाइजर जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बर्ड के स्टेबलाइजर की। ब्लू बर्ड का स्टेबलाइजर मेटल बॉडी के अंदर आता है। इसको आप अप टू 1.5 टन के एसी में यूज़ कर सकते हो। एसी बेशक इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, किसी भी तरह का कोई भी एसी हो, आप उसमें यूज़ कर सकते हो अप टू 1.5 टन कैपेसिटी। 2 टन और 2 से ऊपर टनेज वाले एसीज के लिए इनका एक अलग मॉडल आता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉपर वाइंडिंग में आते हैं ब्लू बर्ड के स्टेबलाइजर्स, इसीलिए परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, इनकी जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो 150 से लेकर 280 वोल्ट तक रहती है। इसके अंदर आपको 15 सेकंड का टाइम डिले सिस्टम भी मिल जाता है। डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है ये मॉडल। जो भी इनपुट आउटपुट वोल्टेज की रीडिंग्स होती हैं वो आपको डिजिटल डिस्प्ले में दिखती हैं। और इसमें हाई एंड लो वोल्टेज कट ऑफ फीचर दिया गया है, जिससे आपके एसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है ब्लू बर्ड की तरफ से। और इस स्टेबलाइजर को, जो कि अप टू 1.5 टन के एसी में आप यूज कर सकते हो, इसको आप खरीद सकते हो 3,395 रुपीज के अराउंड Amazon के ऊपर। और जो 2 टन वाला इनका स्टेबलाइजर है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके प्राइस आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, जो आता है कैंडिस की तरफ से।
कैंडेस का दोस्तों क्रिस्टल मॉडल है, इसमें भी आपको कॉपर वाइंडिंग मिलती है, मेटल बॉडी में ये स्टेबलाइजर आता है और इसको भी आप अप टू 1.5 टन कैपेसिटी के एसी में यूज कर सकते हो। इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, स्प्लिट हो, विंडो हो, किसी भी तरह का कोई भी एसी हो, आप उसमें कैंडेस का ये स्टेबलाइजर यूज कर सकते हो। कैंडेस के स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज 130 से भी है और 90 वोल्ट से भी है। दो अलग अलग मॉडल है, आपकी जेब के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए, क्योंकि 130 वाला जो है वो सस्ता मिलेगा थोड़ा सा, 90 वाला जो है वो महंगा मिलेगा। 90 वोल्ट वाला जो इनका मॉडल है उसका मैंने रिव्यू वीडियो भी किया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लुक दोनों की सेम रहेगी। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो इस कैंडेस के स्टेबलाइजर में भी आपको हाई और लो वोल्टेज कट ऑफ का फीचर मिल जाएगा। इनिशियल टाइम डिले सिस्टम इसके अंदर भी लगाया गया है और डिजिटल डिस्प्ले के साथ ये मॉडल भी आता है। वारंटी कैंडेस की तरफ से 3 साल की मिलेगी। ऑन साइट मिलेगी उन इलाकों में जहां पर इनकी सर्विस अवेलेबल है, और ऑफ साइट रहेगी उन इलाकों में जहां पर आपको खुद से स्टेबलाइजर ले जाना पड़ेगा इनके सर्विस सेंटर के अंदर रिपेयर कराने के लिए, अगर उसमें बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो। यहाँ पर वारंटी 3 साल की रहेगी। और दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो जो इनका 130 वोल्ट से स्टेबलाइजर है उसका प्राइस आपको अमेजोन के ऊपर 3130 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप 90 वोल्ट वाले मॉडल का प्राइस भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, जो आता है सर्वोमेट। सर्वोमेट का जो ये स्टेबलाइजर है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अप टू 1.5 टन के एसी में, और ये भी मेटल बॉडी के अंदर आता है। कॉपर वाइंडिंग इसमें भी आपको मिलती है। कैंडेस की तरह इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मॉडल है 90 वोल्ट वाला और एक है 130 वोल्ट वाला। आपका बजट जिस हिसाब से है आप वो वाला मॉडल ले सकते हैं। ये भी सर्वोमेट का जो ये स्टेबलाइजर है ये भी सुटेबल है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों तरह के एसीज के लिए। इसमें भी आपको लो एंड हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाती है, ओवरहीट से प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अंदर भी इनिशियल टाइम डिले सिस्टम लगाया गया है और इसमें भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इस प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि जो ये सर्वोमेट का स्टेबलाइजर है इसके ऊपर कंपनी की तरफ से गारंटी दी जा रही है, वारंटी नहीं दी जा रही है, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी है। अगर ये प्रोडक्ट खराब होता है विद इन 12 मंथ्स तो आपको रिप्लेस करके दूसरा पीस दिया जाएगा। और इसका प्राइस है 4095 रुपये, 4095 रुपीज़ के अराउंड इसको आप अमेजोन के ऊपर खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की और वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट का ये जो स्टेबलाइजर है ये भी मेटल बॉडी के अंदर आता है और इसको भी आप अप टू 1.5 टन की कैपेसिटी वाले एसीज में यूज कर सकते हो। कॉपर वाइंडिंग इसमें आपको मिलेगी और वोल्टेज रेंज रहेगा 140 से रहेगा दोस्तों, इसका 140 से 270 वोल्ट तक इसका वोल्टेज रेंज है। और ये भी सुटेबल है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर बोथ टाइप ऑफ एसीज के लिए। एवरेस्ट के इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी इनिशियल टाइम डिले सिस्टम दिया गया है और अराउंड 3 मिनट्स का टाइम डिले सिस्टम इसमें लगाया गया है। लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर इसमें भी मिल जाएगा, ओवरहीट से प्रोटेक्शन आपको इसमें भी मिल जाएगी। और एवरेस्ट का जो ये स्टेबलाइजर है इसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। 5 साल की वारंटी मिलेगी आपको एवरेस्ट के इस स्टेबलाइजर के अंदर। 1 ईयर की रहेगी पूरी कंप्लीट वारंटी और बाकी 4 इयर्स की रहेगी सर्विस वारंटी, यानी कि फिर 4 इयर्स में आपको ये सर्विस करके देंगे बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहला जो साल रहेगा उसमें रिप्लेसमेंट वारंटी रहेगी और डिजिटल डिस्प्ले के साथ ये मॉडल भी आता है। और एवरेस्ट के इस स्टेबलाइजर को आप खरीद सकते हो अमेजोन के ऊपर 3660 रुपीज़ के अराउंड। और दोस्तों इसमें आपको एक और मॉडल मिल जाता है जो 2 टन कैपेसिटी में काम आता है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ब्रांड की जो आता है वीगार्ड की तरफ से। वीगार्ड दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है स्टेबलाइजर्स की दुनिया में और मैं काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता हूँ वीगार्ड के स्टेबलाइजर। मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर लिंक भी दे रखता हूँ वीगार्ड के और बहुत माइक्रोटेक वगैरह के भी हैं उसमें, बट वीगार्ड मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीगार्ड वन ऑफ द बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर और इसके अंदर भी आपको कॉपर वाइंडिंग मिलती है। वीगार्ड का जो ये मॉडल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें आपको ABS बॉडी मिलती है और इसको भी आप अप टू 1.5 टन कैपेसिटी के AC में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट और विंडो कोई भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हो।
वीगार्ड के इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज रहेगी 130 से 280 वोल्ट, 130 वोल्ट से 280 वोल्ट तक इसका वोल्टेज रेंज है, और इसके अंदर भी आपको थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाएगा और हाई एंड लो कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। 3 मिनट्स का, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का इसके अंदर भी आपको टाइम डिले सिस्टम मिलेगा। डिस्प्ले इसका जो रहेगा वो डिजिटल रहेगा, और डिस्प्ले के ऊपर एक कलर चेंजिंग एलईडी लाइट भी मिलेगी आपको, जब वोल्टेज कम या ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करती है। और वी गार्ड के इस स्टेबलाइजर के ऊपर आपको वी गार्ड की तरफ से 3 साल की ऑन साइट वारंटी ऑफर की जाती है, और इस स्टेबलाइजर को आप खरीद सकते हो 4,450 रुपए के अराउंड अमेजोन के ऊपर, 4,450 रुपीज के अराउंड अमेजोन के ऊपर इसको आप खरीद सकते हो। दोस्तों इनमें से कोई भी स्टेबलाइजर आप ले सकते हो जो आपके बजट में फिट आ जाए, सभी के सभी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। इनके अलावा भी कुछ मॉडल्स हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी अपने आप में बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको स्पेशली कोई मॉडल चाहिए नॉन इन्वर्टर एसी के लिए तो भी मिल जाएगा, और दोस्तों 2 टन के लिए अगर आपको स्टेबलाइजर्स की लिस्ट चाहिए वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां पर चेक कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली 1.5 टन का एसी ही लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको 1.5 टन के हिसाब से ये स्टेबलाइजर्स बताए हैं। इन सभी में 2 टन वाले भी मॉडल आते हैं, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको उनके भी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए तो होप सो आपको अब मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।